खड़े सर, खटा जा सर, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान। पूरा ऑर्डर बात करो नहीं। हाँ सर, मार्केट पर वाटर भेजो हमारे। हाँ पूरा लाइन में लगा। एक्चुअली वेंडिंग जोन बना है और ये वेंडिंग जोन हमारा ऐसे लाभुक के लिए है जो यहाँ पर 2017 में सर्वे हुआ था और ये ठेला खोमचा या जमीन पर बोरा बिछा करके साग सब्जी या अन्य कोई सामग्री बेचते थे, ऐसे लोग हमारे रजिस्टर्ड हैं, उनको एक जगह व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए दुकान साग सब्जी या अन्य किसी भी प्रकार का अपना विक्रय करने के लिए उनको जगह चाहिए था, जैसे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था जो बाधित रहती थी उसमें भी सहूलियत होगी, आवागमन सुलभ होगा, तो ऐसे लोगों को यहाँ लॉटरी के द्वारा जगह आवंटित किया जाएगा। इसमें साग सब्जी अन्य पदार्थ जो भी वो बेचना चाहें, फल फूल वो बेच सकते हैं। कब से शुरू होगा सर ये? अभी आज तो इसका उद्घाटन हो गया है माननीय मंत्री जी के कदमों से, एक आध सप्ताह में इसका आवंटन हम लोग प्रारंभ करेंगे। कितने दुकानदार इसमें स्टॉल लगाएंगे? 32 स्टॉल बनाए गए हैं, अभी 32 लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब 32 काउंटर इनका बन सकता है। और इसमें लगे हाथ आप देखेंगे कि यदि गांव देहात से भी लोग आकर के कुछ बेचना चाहते हैं, यहाँ रजिस्टर्ड हैं वो बेचते हैं, तो कुछ सामग्री या सब्जी कुछ बच गई तो उनको लौटा करके फिर घर ना ले जाना पड़े। नीचे एक स्टोर रूम भी उनको बना करके दिया गया है जिसमें वो रख करके फिर ताला बंद कर देंगे और नेक्स्ट डे फिर आकर के अपना बिजनेस को प्रारंभ। नया रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उसको लिए क्या रजिस्टर्ड जो लोग होना चाहते हैं वो हमारे नगर पालिका से संपर्क करें, हमारी टीम है, नया रजिस्ट्रेशन भी होगा उनका। और ये हमारा पहला आज उद्घाटन हो गया है, 2 यूनिट और हमारे बन रहे हैं, एक टीओपी के पास और एक काली पहाड़ी में, बहुत जल्दी ही उसका भी काम संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर उसका भी आवंटन हम लोग करेंगे। क्या लगता है सर, में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा? यहाँ निश्चित रूप से बहुत सुलभ हो जाएगी, चूँकि आप देखेंगे कि काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है, लोग उसी में साग सब्जी बिछा करके बेचते हैं या ठेला खोमचा वगैरह भी लगा लेते हैं, तो ये यदि ये लोग इस अपने स्टॉल में आ जाते हैं, वेंडिंग जोन में हमारे आ जाते हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुलभ हो जाएगी।